अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि बारिश का पानी हम बैटरी में यूज़ कर सकते हैं डालने के लिए कि नहीं डाल सकते, और कहीं ये बैटरी को नुकसान तो नहीं देता। तो फिर मैंने ये बारिश का पानी कलेक्ट किया है, तो आज हम इस TDS मीटर की मदद से इसके TDS चेक करते हैं और देखते हैं ये बैटरी को कितना डैमेज करता है। तो इसको चेक करने के लिए ये मेरे पास जो TDS मीटर है, ये आप देख सकते हैं पहले 0-0 रीडिंग थी। जैसे ही मैंने डिप किया तो इसकी रीडिंग मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं 25 PPM की रीडिंग दे रहा है ये मीटर, यानी कि बारिश का पानी जो है इसकी TDS बहुत कम है। और ये एक बेहतरीन पानी है, लाइट किस्म का पानी है, इसमें मिनरल्स और जो डिजॉल्व्ड मेटल्स हैं वो बहुत कम हैं। और ये देख सकते हैं आप, मीटर की वैल्यू 0-0 है जैसे मैंने इसको बाहर निकाला, और जैसे ही हम पानी के अंदर डिप करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 23 या 24, इतनी वैल्यू आती है। 24 वैल्यू वाला पानी जो है बारिश का पानी होता है, और इस पानी को आप इजीली बैटरियों में यूज़ कर सकते हैं। ये बैटरियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। और अगर ये पानी 0-0 TDS का होता तो बहुत ही बेस्ट होता, लेकिन अगर आपके पास कोई भी पानी है और उसकी वैल्यू 50 या 60 TDS तक है तो आप उसको बैटरियों में इजीली डाल सकते हैं। तो ये बैटरियों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा, और ये बैटरियों के लिए बहुत अच्छा पानी है। जब भी बैटरियों का पानी कम हो तो आप बारिश का पानी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री में होता है, जबकि आप जो बाज़ार से बॉटल परचेज़ करते हैं बैटरी ओसाका का, फिनिक्स का, या फिर AGS ऑक्साइड वगैरह का, तो वो आपको बैटरी टॉनिक जो है बैटरी टॉनिक के नाम पे वो पानी मिलता है, और उसकी प्राइस आजकल जो है 110 या 120 रुपये पर बॉटल जो है वो मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।